चलिए न्यूज रूम का रुख फिलहाल करेंगे। हमारे सहयोगी लोकेश ओला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लोकेश, देखिए जयपुर सबसे ज्यादा आंकड़ा यहां पर जयपुर में देखा जा रहा है, 483 मरीज यहां से हैं। तो ऐसे में क्या इंतजामात लॉकडाउन के दूसरे फेज में, क्योंकि यह बहुत जरूरी हो जाता है सभी चीजों को एक नए सिरे से शुरू करना और नए सिरे से हालात पर काबू पाना। तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि 2 बजे तक की जो आज रिपोर्ट आई है चिकित्सा विभाग की ओर से, उसमें आज 28 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं, जिसमें बात करें तो टोंक और जोधपुर में 11-11 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। वहीं बात करें तो जो बीकानेर में दो कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं और झुंझुनू में 2 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। इसी तरह आज कुल 28 कोरोना पॉजिटिव सामने आए और अब जो कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 1104 पहुँच चुका है। ऐसे में लगातार कोरोना पॉजिटिव की संख्या आना चिंता की बात है, लेकिन आज 2 बजे तक की रिपोर्ट के आधार पर अभी तक जयपुर में एक भी कोरोना का पॉजिटिव सामने नहीं आया, जो एक राहत की खबर कही जा सकती है, अच्छी खबर कही जा सकती है। उम्मीद करते हैं इसी तरह आगे भी रिपोर्ट आए कि जयपुर में एक भी कोरोना पॉजिटिव सामने नहीं आए। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया था कि जयपुर जिला प्रशासन और जो चिकित्सा विभाग है जयपुर में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए युद्ध स्तर पर इनके काम करना होगा, और उसी तरह जयपुर जिला प्रशासन, चिकित्सा विभाग की टीमें और हाउसिंग बोर्ड, JDS, सभी तमाम जो विभाग के अधिकारी हैं वो युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। जिस तरह से बीते दिन जो चिकित्सा मंत्री और जो अन्य तमाम मंत्रीगण जयपुर के रामगंज और अन्य क्वारंटाइन सेंटरों में जाकर निरीक्षण किया था, किस तरह के वहाँ की तमाम व्यवस्थाएं हैं, और साथ ही साथ जिस तरह से मुख्यमंत्री ने निर्देश किया था कि हाउसिंग बोर्ड और JDA जो क्वारंटाइन सेंटरों की करीब 10,000 या 15,000 से अधिक जो क्वारंटाइन सेंटर है उनको अधिक से अधिक तैयार करें। इन सभी बातों को लेकर लगातार इनके विभाग के अधिकारी वो निर्देशित कर रहे हैं। बात जी लोकेश, एक चीज जो बहुत अहम है मैं आपसे जानना चाहूंगी कि देखिए प्लाज्मा थेरेपी बहुत चर्चा में इस वक्त है और विदेशों में पहले ये होती थी लेकिन हमारे देश में इसे लागू नहीं किया गया था, लेकिन ये प्रक्रिया अब दिल्ली में भी शुरू हो चुकी है, तो क्या राजस्थान में यहाँ पर ऐसा कुछ शुरू होने के आसार? जी देखिए, प्लाज्मा थेरेपी को लेकर अभी तक राजस्थान में इस तरह के कोई इनकी निर्देशित नहीं किया गया, चिकित्सा विभाग ने भी इस तरह से अभी तक कोई तैयारी नहीं की, लेकिन अगर दिल्ली में इसका सकारात्मक उपयोग आता है या सकारात्मक परिणाम आता है तो वाकई हो सकता है कि राजस्थान में इसका उपयोग किया जाए, लेकिन अभी तक फिलहाल ऐसी नहीं की। लेकिन जिस तरह से राजस्थान में जो स्क्रीनिंग बढ़ाई गई है, सैम्पलिंग प्रक्रिया बढ़ाई गई, इससे पॉजिटिव मरीजों की संख्या सामने आ रही है। लेकिन जिस तरह से राजस्थान के चिकित्सकों ने जो एक दवा का कॉम्बिनेशन बनाकर यहाँ पर जो मरीजों का इलाज कर रहे हैं, जिसका एक अच्छा परिणाम भी देखने को मिल रहा है, और अब बात करें तो पूरे राजस्थान में 164 जो कोरोना पॉजिटिव थे उनकी रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है, जिसमें से 82 कोरोना के जो मरीज थे जो ठीक हो चुके उनको डिस्चार्ज भी किया जा चुका है। ऐसे में जो चिकित्सा विभाग की जो तकनीकी है, जो डॉक्टरों की जो मेहनत है, वो यहाँ पर जो रंग ला रही है। जी लोकेश, देखिए यहाँ पर सिम्टोमेटिक इलाज प्रोवाइड करवाया जा रहा है, तो ऐसे में एक सवाल और उठता है कि पहले जो सिम्टम्स नजर आ रहे थे उसके मुकाबले अगर देखा जाए तो अब नॉर्मल लोग जो हैं, जिनको ज्यादा खांसी जुकाम की प्रॉब्लम नहीं है, उनके साथ भी COVID-19 उनमें भी पॉजिटिव पाया जा रहा है, तो किस प्रकार के इतर होके थोड़े से सिम्टम्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं? जी देखिए, जिस तरह से लगातार सैंपलिंग प्रक्रिया बढ़ी तो इसमें प्रारंभिक अवस्था में ही जो मरीज पॉजिटिव मरीज की पुष्टि सामने हो रही है, तो इससे कहीं ना कहीं जो गंभीर अवस्था में मरीज चला जाता है उससे पहले ही मरीज का पास में इनकी जानकारी पहुंच जाती है कि वो कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है, और उसको तुरंत इलाज मिल रहा है, उसका एक अच्छा परिणाम भी सामने आ रहा है कि मरीज अधिक से अधिक ठीक हो रहे हैं। और यही वजह है कि जो जिस तरह से आपने पूछा कि नॉर्मल सिम्टम्स आ रहे हैं, हालांकि कोरोना वायरस के जो सिम्टम्स प्रारंभ सिम्टम्स हुई है, हल्की खांसी जुकाम है, गले में दर्द और जो तमाम जो नॉर्मल वायरस के सिम्टम्स होते हैं, लेकिन जिस तरह से चिकित्सा विभाग की टीमों ने एक मुस्तैदी दिखाते हुए उन सभी चिन्हित लोगों का सैंपल लिया और उनकी जो रिपोर्ट ली जिसमें जो नॉर्मल सिम्टम्स वाले या बिना सिम्टम्स वाले भी पॉजिटिव सामने आ रहे हैं, उनका भी इलाज तत्परता से किया जा रहा है। जी लोकेश, देखिए जिस प्रकार से कोरोना का फेज दूसरा अभी शुरू हो चुका है तो पहले के मुकाबले ज्यादा सख्ती अब बढ़ती जा रही है, ऐसे में कैसे किस प्रकार से खाद्य सामग्री, राहत सामग्री उन लोगों तक पहुंचाई जा रही है जो जरूरतमंद है, क्योंकि आवाजाही पर तो पूर्ण रूप से प्रतिबंध हर जगह लगा दिया गया है, हालांकि कुछ जगह जहां पर ज्यादा खतरा नहीं है वहां पर ये सुविधाएं फिलहाल भी जारी है।
जी देखिए, जिस तरह से मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जरूरत की चीज़ों के लिए आवाजाही पर रोक नहीं है। हालांकि जहाँ कर्फ्यू लगा हुआ है या फिर जहाँ पर पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं वहाँ पर सख्ती देखी जा सकती है, और उसके लिए अलग से जिला प्रशासनों ने व्यवस्था की है। वहाँ पर दुकानों को चिन्हित किया गया है कि ये दुकान वाले होम डिलीवरी कर सकते हैं। इन सभी तमाम बातों को लेकर भी विशेष ध्यान रखा गया है। साथ ही साथ BLO को लगाया गया राशन वितरण के लिए कि उनको पता होता है कि कौन से घर में कहाँ कितनी जरूरत हो सकती है, उनके पास सूची होती है, उसी सूची के आधार पर जरूरत की चीजें या राशन जो तमाम जो सामान की जरूरत की चीजें हैं वो उपलब्ध करवाई जा रही है ताकि आम जनता को किसी तरह की समस्या नहीं हो। इन सभी चीजों को लेकर भी ध्यान रखा जा रहा है, और विशेष तौर से जिस तरह से मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया था कि सभी जिले और ब्लॉक स्तर पर वॉर रूम बनाया जाए, कंट्रोल रूम बनाया जाए, उसी तरह से वहां पर सूचनाएं जिस तरह जैसे ही पहुंचती है और वहां सूचनाओं के आधार पर संबंधित अधिकारी और संबंधित जो कर्मचारी है जो भी राहत सामग्री पहुंचाने वाले होते हैं उनको सूचना दी जाती है, तो तुरंत जो आम जनता तक आम आदमी तक जहां समस्या हो वहां तक राहत पहुंचाई जा रही है। बिल्कुल लोकेश, तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चलिए फिलहाल अगली खबर की ओर।